नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। शिवसेना के विधायकों की बगावत के चलते महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार का अंत तय माना जा रहा था, वहीं अब शिवसेना नेता संजय राउत ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर बागी विधायक 24 घंटे के भीतर मुंबई लौटते हैं तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी से बाहर आने को तैयार है। कहते हैं कि विधायकों को गुवाहाटी से संवाद करना चाहिए, वापस मुंबई आए और सीएम से इस सब पर चर्चा करें। हम सभी विधायकों की इच्छा होने पर महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने पर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें यहाँ आना होगा और सीएम से इस पर चर्चा करनी होगी। संजय राउत के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। इससे पहले संजय राउत ने 21 बागी विधायकों से संपर्क का दावा किया था। संजय राउत ने कहा था कि सीएम उद्धव ठाकरे बहुत जल्द वर्षा बंगले में वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में 21 विधायकों ने हमसे संपर्क किया है और जब वे मुंबई लौटेंगे तो वे हमारे साथ आएंगे। संजय राउत के बयान के बाद कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि हम भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए शिवसेना के साथ है, ये खेल ईडी की वजह से हो रहा है। कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, महाविकास अघाड़ी के साथ है और रहेंगे, हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है। पटोले ने यह भी कहा कि अगर शिवसेना किसी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं है। इस पर एमवीए में सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने ट्वीट किया। पाटिल ने कहा कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के लिए स्थापित सरकार है, हम अंत तक उद्धव जी ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि कोई भी सच्चा शिवसैनिक ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो आदरणीय बालासाहेब ठाकरे के विचारों को धोखा दे। तो अब आपकी क्या राय है खबर सुनने के बाद, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या सच में यहाँ संजय राउत ने जिस तरीके से बयान दिया है वो सच है। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। सर, मुख्यमंत्री ने भावनिक आवाहन करून देखील कोण बंडखोर कोण आहे? शिवसेना हा पक्ष स्वतंत्र आहे, विधिमंडळ पक्ष ईडीच्या किंवा अन्य काही अमिषा भीती आणि अमिषाला बळी पडून जर आमदार काही पळाले असते, विशेषतः जे स्वतःला बछडे वाघ वगैरे समजून घ्यायचे, तर ते म्हणजे पक्ष नाही। आपण जो काल रस्त्यावर पाहिला तो पक्ष आहे आणि हा पक्ष अद्याप मजबूत आहे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष मजबूत आहे। चार आमदार, अजून कोणी दोन खासदार, दोन नगरसेवक गेले म्हणजे पक्ष गेला असं नाही होत। आणि हे का गेले आहेत सोडून याची कारणं लवकरच समोर येतील, तरीही त्या सगळ्यांशी चर्चा सुरू। अजूनही त्यातले काही लोक आमच्या संपर्कात येत आहेत, आम्हाला कसं जबरदस्तीनं नेलं आहे तिकडे। आता आज दोन आमदारांची आमच्या पत्रकार परिषद आहे, नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील, ते तुम्हाला सगळी कथा सांगते। अशा प्रकारे किमान 17 ते 18 आमदार हे भारतीय जनता पक्षाच्या कब्ज्यामध्ये। मी भारतीय जनता पक्ष हा शब्द वापरतो कारण त्यांच्या कारस्थानाशिवाय भाजपा शासित राज्यात अशा प्रकारे आमदारांना डांबून ठेवणं शक्य नाही। मुख्यमंत्री आज कोणती बैठक घेणार नाही, वर्षावर आमदार जातील, काही तांत्रिक गोष्टी पूर्ण करायच्या, त्यानंतर आमचे दोन आमदार जे आहेत कैलास पाटील आणि नितीन देशमुख हे पत्रकार परिषद घेतील, त्याच्याबरोबर आमचे इतर प्रमुख लोक असतील। त्यांचे एकदा तुम्ही एक साधारण 12 नंतर आहे वेळ आपल्याला कळून देत आहे, शिवालयात असेल किंवा वर्षावर असेल। मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही आमदारांचं जाणं सुरू कोण म्हटलं आपल्या? मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना आवाहन केलेलं नाहीये, या आमदारांनी परत निवडून येऊन दाखवावं एवढंच मी सांगू शकतो। संजय राजजी प्लीज हिंदी में बताइए की अभी क्या स्थिती है एकनाथ शिंदे।